खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरह लाचार हो गई है। इसके बाद करण महारा ने कहा कि आज ही हरिद्वार में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही करण महारा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। हरिद्वार से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज भी, और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है? उसका मेडिकल का असर आना ही आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, OBC का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज और मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे, और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहां गायब हो गए? ये समझ से परे है, तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। वहां कप्तान के घिराव में हम लोग थे, और जैसे ही हम लोग निकले उसके बाद अचानक पता चला कि सोना चांदी जो मुख्य बाजार में है उसमें डकैती भी, गोली भी चली, और दिन दोपहर ये समझा जा सकता है कि अब सरकार है या नहीं, प्रशासन है या नहीं, पुलिसिंग है या नहीं।